एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर, हमारे बीच में है जो महानदी गंगा नदी को लेकर महा आंदोलन कर रहे हैं, वही शख्सियत हमारे बीच में है, राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखिए, जो महानदी है, इस महानदी की हत्या हो रही है। इस पर दोनों ऊपर की तरफ 30-31 बैराज बन गए। नीचे के लोग चाहते हैं कि नदी में पानी रहे, ऊपर की नदी रुकने से तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों के पानी का संकट है। आप जानते हैं कि नदी कोई पॉलिटिकल सीमाओं में नहीं बढ़ती, नदी की अपनी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है। इसलिए अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नदियों को पॉलिटिकल बाउंड्री में बांटने की कोशिश कर रही हैं, और जिससे लोगों के बीच आपस में लड़ाई हो। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों आपस में ना लड़ें, और ये जो कावेरी जैसा विवाद बन गया है वैसा विवाद महानदी का ना बने। महानदी के विवाद को दोनों राज्यों की सरकारें मिल बैठकर उसका समाधान ढूंढ लें, क्योंकि आपस में लड़ने से, लोगों को लड़ने से समाधान नहीं निकलता। हमारा पार्लियामेंट से ये अनुरोध है, पार्लियामेंट से निवेदन है कि वो महानदी के विवाद को कावेरी जैसा विवाद ना बनने दे, और इसमें भारत सरकार को बीच में दखल देकर एक तरह से दोनों राज्यों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए पानी का दोनों राज्यों को ठीक से मिल सके। जल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, यदि जल सुरक्षा नहीं होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे और बेपानी होकर मरेंगे। इसलिए यहाँ सबको पानी मिले, और नदी के पानी पर सबका अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। इसलिए जिनका अधिकार है उनको पानी मिले, खेती के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए। ये नदियों का पानी, उद्योगों को सारा पानी दे देना और उद्योगों को नदियों का मालिक बना देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहाँ जो ये महानदी आंदोलन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि सभी लोग मिलकर इसको समाधान करें। सर जलपुर साहब, अभी जो यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, इनका क्या आश्वासन है आपके लिए? पार्लियामेंट के सभी पार्टियों के मेंबर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि नदी का जो अपना अधिकार है, जो जल की सुरक्षा है, वो जल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो सब लोग आके बोल के जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में नदी के अधिकार के लिए क्या करते हैं वो तो पता चलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से सब बराबर लोग आ रहे हैं, लोकसभा से भी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं, वो बोल के जा रहे हैं। लेकिन भला जब होगा, जब नदी के अधिकार दिलाने का पक्का निर्णय हो, और नदी का अधिकार, नदी के 3 तरह के अधिकार होते हैं। नदी का जमीन का अधिकार होता है, नदी का उसके प्रवाह का पानी का अधिकार होता है, और नदी में गंदगी ना मिले, नदी में अविरल निर्मल जल बहे, ये उसका अधिकार होता है। तो ये अधिकार उसको दिलाने के लिए ये चल रहा है। सर अभी नदियों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का जो सफाई के लिए दिया जाता है, फिर उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि नदियों की सफाई के लिए अभी केवल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और प्रोजेक्ट से ये काम नहीं होता। नदियों के अधिकार का कोई कानून बने, और उनका ये जो नदियों को गंदी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर वैसा ही मुकदमा हो जैसा मुकदमा 302 का बंदूक से मारने वाला होता है। बंदूक से जब आदमी को मारते हैं तो आप उसको बंदूक ऐसे भी मार दें, गोली भी मार दें, मरे भी नहीं,
तो उसके खिलाफ 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा हो जाता है। लेकिन ये जो नदियों में गंदा पानी डाल रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं और कैंसर, विविध तरह की बीमारियां बहुत आ रही हैं, उन सब बीमारियों को करके लोगों को मारने वालों पर कोई मुकदमा नहीं होता। इसलिए हमारा कहना यह है कि इस वक्त इस देश में नदियों को प्रदूषित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए और उनको, उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको मारना, उनको उनको उनके खिलाफ वैसा ही मुकदमा हो जैसा गोली से मारने जैसा है। भाई आखिर आदमी को मारा ना, तो आपने गोली से मारा कि धीरे जहर खिला के मारा? तो ये जहर पिला के लोगों को मार रहे हैं, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एक नदियों के संरक्षण के लिए कोई कानून बनना चाहिए।